तो फ्रेंड्स अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है और आपने ऑप्ट किया है कि आप जीएसटी 9 फाइल नहीं करोगे तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है। और अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग नहीं पता कि उसमें क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 डेटेड 9th October सेज दैट रजिस्टर्ड पर्संस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹2 करोड़ दीस पर्संस शैल फॉलो स्पेशल प्रोसीजर। वर्ड्स को नोट करो, स्पेशल प्रोसीजर इन सच वे दैट दीस पर्संस शैल हैव द ऑप्शन टू फर्निश द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 रेड विद रूल 80 ऑफ सीजीएसटी। रूल 80 क्या बोलता है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो 9B फाइल करोगे, कंपोजिशन हो तो 9A फाइल करोगे, अदर पर्संस एज एप्लीकेबल 9 फाइल करेंगे। और प्रोविजो क्या बोलता है दैट रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी फर्निश्ड ऑन द ड्यू डेट इफ इट हैज नॉट बीन फर्निश्ड बिफोर द ड्यू डेट। तो आपके लिए दो वर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है, स्पेशल प्रोसीजर और ये प्रोविजो। नाउ व्हाट डज दिस प्रोविजो मींस? इट मींस इफ यू चूज नॉट टू फाइल एनुअल रिटर्न विद इन ड्यू डेट फॉर द रीजन दैट योर टर्नओवर इज बिलो ₹2 करोड़ तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ये मान लिया जाएगा कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है एज पर स्पेशल प्रोसीजर। तो क्या हुआ अगर मान लिया जाएगा? तो इशू है गाइज, बिकॉज माना जाएगा कि आपने स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किए हैं और आपकी एनुअल रिटर्न फाइल हो गई है ड्यू डेट पर। सो नाउ व्हाट डज दिस स्पेशल प्रोसीजर मींस? दिस मींस दैट सिस्टम जनरेटेड ड्राफ्ट जीएसटीआर 9 शैल बी डीम्ड टू बी एनुअल रिटर्न। मतलब जब आप जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करते हो, डैशबोर्ड में जाते हो और एनुअल रिटर्न की जीएसटीआर 9 के टैब पर क्लिक करते हो तो आपके सामने सिस्टम कंप्यूटेड ड्राफ्ट जीएसटी 9 की समरी आती है। ये कैसे बनती है? जब आप 1 और 3B फाइल करते हो मंथली, उसको कंसोलिडेट करके, उसको कंबाइन करके सिस्टम खुद, डिपार्टमेंट खुद, पोर्टल खुद आपको ये ड्राफ्ट जीएसटी 9 देता है। स्पेशल प्रोसीजर आपको क्या बोलता है कि ये मान लिया जाएगा कि ये जो ड्राफ्ट जीएसटी 9 है यही आपकी एनुअल रिटर्न है। तो इसके नुकसान क्या हुए कि अगर आपने 3B में कोई गलती की हुई थी और आपको 9 क्या करती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी गलतियों को ठीक करो और अकॉर्डिंगली कोई टैक्स बनता है तो आप DR03 से पे करो। तो अगर आपने कुछ जीएसटी 9 फाइल नहीं की और आपने कुछ पे नहीं किया तो अगर कुछ गलती है तो उसी के बेसिस पे मान लिया जाएगा कि वो आपकी एनुअल रिटर्न है। तो कंक्लूजन क्या निकला? इफ यू चूज नॉट टू फाइल एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 तो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा इज द एनुअल रिटर्न इवन इफ इट इज इनकरेक्ट। सो इट्स बेटर गाइज टू रिकनसाइल द डाटा एंड फाइल जीएसटी 9 इंस्टेड ऑफ फाइलिंग इनकरेक्ट डाटा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी, इंटेंशन समझ में आई होगी, ये वीडियो क्यों बनाई है, आपके लिए रेलेवेंट है। आप अपनी रिकंसिलेशन कर लो और अपना फिर डिसीजन लो कि आपको फाइल करनी है या नहीं करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइज, डू द लाइक बटन, डू स्टे कनेक्टेड फॉर द गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।